देखिए, जो प्रेशर होता है ना, पेरेंटल प्रेशर बिजनेस शुरू करने के लिए खासतौर पे, वो वालिदैन को सोचना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जब कोई आता है बच्चा जो कि शायद कॉलेज से फारिग है या नहीं भी है, और वो कहता है कि मैं बहुत सीरियस मोड में होता है, वो सोच समझ के आता है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो डिमोरलाइजेशन जो है उसकी हौसला अफजाई होने के बजाय उसकी हौसला तोड़ने का काम उसके घर से शुरू होता है। जी ताने और तंज क्या होते हैं कि तुम बिजनेस करोगे, तुम्हारे घर में किसी ने बिजनेस नहीं करा, अरे तुमसे बिजनेस आता भी है करना, तुम सीरियस हो लाइफ को लेके, ऐसा करके। अगर उसने कोई स्टेप उठाया है, जाहिर है कि उसने कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अल्लाह ताला ने बात डाली होगी। और अगर वो सीरियसली हो गए इस बारे में सोच के आगे बढ़े, यानी कि उसको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, उसका हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। आप समझिए, एज अ पेरेंट, वालिदैन होने के नाते आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हर दौर का एक वक्त आता है, आपका दौर का हाँ वक्त था, अब आज की जनरेशन का वक्त है, आपके बच्चों का वक्त है, आपको उनको प्रमोट करना है। जी अगर आप उन्हें प्रमोट नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपना दिल मार करके, और आपके सामने तो हो सकता है आपकी इज्जत रखने के लिए, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी बात रखने के लिए आपकी बात मान ले, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नुकसान साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा हैं। वो जी कल वो अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी कुछ और अपने फ्रस्ट्रेशन को एग्जिट रिलैक्स करने के लिए वो कुछ और भी कर सकते हैं। तो लिहाजा आप समझिए, सोचिए, उन्हें वक्त दीजिए सोचने का। आकिल हैं, बालिग हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें अकल दी है, सलाहियत जी दी है, जी और आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया है, आज हमारे पास बच्चे बच्चे के पास व्हाट्सएप और मोबाइल चलाना आ गया है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो एडवांसमेंट होगा ना। समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो मेरा वालिदैन से खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि जब भी आपके पास अगर बच्चा आता है ये बोल के मुझे बिजनेस शुरू करना है, एटलीस्ट कम से कम उसको एक बार मौका दीजिए सोचने का, समझने का, उसको सुनने का, और उसकी मदद कीजिए, उसका हौसला अफजाई कीजिए। अगर हाँ कुछ ऐसी बात कहता है कि जिसमें कोई नुकसान होने के इम्कान ज्यादा है, जिससे समाज को बिगाड़ पहुंचाने के इम्कान ज्यादा है, तो आपका फर्ज है आप रोकिए। आप उसे डांट भी सकते हैं रोकने के लिए, लेकिन अमूमन तौर पर जनरल सेंस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसकी हौसला अफजाई करें और आप उसे प्रमोट करें इंशाल्लाह। और मजीद मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि आप जब इरादा करते हैं कि आपको बिजनेस करना है और डेफिनेटली आपको एक कैपिटल की जरूरत होती है, तो आप अपने घर वालों से या अपने दोस्तों से, खास करके अपने घर वालों से आदमी कैपिटल की बात करता है, तो अपने बात को एकदम साफ अंदाज में अच्छे तरीके से रखिए उनके सामने, उनको समझाने की कोशिश कीजिए पूरी तरीके से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम समझा नहीं पाते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स भी आपका साथ जरूर देंगे। बिल्कुल। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।